हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एंड माय नेम इज़ रुप्ति। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन NPC, द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 4, मोशन इन अ प्लेन। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन सीखा था। मीन्स अगर आपके पास टू वैक्टर्स गिवन है तो हम टू वैक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं फार्मूले के थ्रू, ठीक है? ये हमने एनालिटिकल मेथड में सीखा था। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है लास्ट वीडियो की। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? और लास्ट में पहले हमने काफ़ी सारे वेक्टर्स पर बेस्ड टॉपिक्स लेक्चर्स बनाए हैं। आप उन सभी लेक्चर्स को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आपको प्रोवाइड की गई है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ओके? चलिए, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सब्ट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स, ओके? मीन्स अगर आपके पास टू वैक्टर्स गिवन है ए एंड बी, सो हाउ कैन बी सब्ट्रैक्ट टू वैक्टर्स ए माइनस बी। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स होता ही नहीं है कुछ, हमें वैक्टर्स को ऐड ही करना है, ठीक है? हमें क्या करना है, वैक्टर्स टू वैक्टर्स जो गिवन है उन्हें ऐड ही करना है। और इन द फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन हम उसे कैसे शो कर सकते हैं, वो ही चीज़ हम आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं, ओके? तो हम थोड़ा सा पहले का रिविजन कर लेते हैं कि हमने एडिशन ऑफ वैक्टर में कैसे सीखा था एडिशन करना टू वैक्टर्स का, ठीक है? मीन्स अगर आपके पास टू वैक्टर्स गिवन है वैक्टर ए एज वेल एज वैक्टर बी, ओके? यहाँ गिवन है, पैरेलल शिफ्टिंग के थ्रू हमने वैक्टर्स को कनेक्ट कर दिया। टेल टू टेल मीन्स वैक्टर ए एंड दिस इज वैक्टर बी, और ये दोनों वैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं। अगर हमें इनका एडिशन करना है तो हम यहाँ पैरेलोग्राम मेथड यूज करके क्या करेंगे, एक पैरेलोग्राम फॉर्म करेंगे, ठीक है? पैरेलल शिफ्टिंग के थ्रू यहाँ बी का आपने शिफ्ट कर दिया, बी को शिफ्ट कर दिया, ए को शिफ्ट कर दिया, तो ये पैरेलोग्राम बन गया, ठीक है? एंड इसका जो एडिशन है, एडिशन रिप्रेजेंट करेगा या फिर रिजल्टेंट जो है वो शो होगा इस पैरेलोग्राम के डायगोनल के थ्रू। और डायगोनल कहाँ से जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से, ठीक है? मीन्स कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हम इसे ओ कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से आप अगर डायगोनल पैरेलोग्राम का डायगोनल लें, सो दिस इज आर एंड दिस आर इज रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वैक्टर ऑफ ए एंड बी, ओके? मीन्स द एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स इज गिवन बाई दिस रिजल्टेंट आर वैक्टर ए प्लस बी, ओके? ये हमने सीखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में पैरेलोग्राम मेथड के थ्रू वेक्टर एडिशन। बट हम सब्ट्रैक्शन कैसे करें, टू वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करें? तो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन डिफाइन होता है इन द टर्म्स ऑफ एडिशन। कैसे? तो देखिए, हमारे पास वही टू वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, ओके? अब हम इस बी वेक्टर को, हम यहाँ ये जो सेकंड वेक्टर है आपका, फर्स्ट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम बी कंसीडर कर लेते हैं। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड का हम ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर लें, ठीक है? मीन्स इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से, ओके? तो ये क्या हो गया, माइनस बी। मीन्स इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसीलिए यहाँ माइनस साइन हो गया, ठीक है? अब यहाँ थीटा है, ठीक है, एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा है आपको गिवन। तो यहाँ क्या होगा, ये टोटल 180 है, सो दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा, क्लियर है? ये ए एंड माइनस बी वेक्टर है, ओके? तो यहाँ से आप ए एंड माइनस बी वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलोग्राम लो, ठीक है? पैरेलोग्राम मेथड, यहाँ पर क्या करना होगा आपको, पैरेलोग्राम डिफाइन करना होगा या डिराइव करना होगा, ठीक है? फॉर्म कर लिया हमने पैरेलोग्राम, ये वेक्टर माइनस बी का पैरेलल शिफ्टिंग एंड वेक्टर ए का पैरेलल शिफ्टिंग इस तरह से, ओके? चलिए, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा, यहाँ से दिस विल बी आर। सो आर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए ए प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है? ये चीज आपको ध्यान देना है, क्या करना है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी, ठीक है? माइनस बी वेक्टर को हम ए में ऐड कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम दोनों वेक्टर्स का क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, ए माइनस बी ही हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ओके? सो दिस इक्वेशन विल बी आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी, ओके? ओके, चलिए, अभी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सीखा था। रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है? अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, ए बी यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं टू वेक्टर्स की, वो वैल्यूज़ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, ठीक है? डायरेक्शन नहीं है, अभी हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले में, ओके? तो आपको मैग्नीट्यूड लेना है। अब जैसे यहाँ पर आपने लिया, आपने बताया कि वैक्टर ए तो पॉजिटिव है बट वैक्टर माइनस जो बी है वो माइनस बी लेंगे, क्योंकि वैक्टर का अगर माइनस लेते भी हैं आप
तो उसका स्क्वायर या उसका जो मैग्नीट्यूड डिफाइन करें तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ किसी भी वैल्यू को अपन डिफाइन करते हैं तो वो पॉजिटिव ही रहती है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ए बी ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड है और बी का मैग्नीट्यूड है, मतलब कि ये दोनों भी पॉजिटिव वैल्यू है। चेंज क्या होगा? चेंज होगा थीटा में। ठीक है, क्योंकि हम जो एंगल ले रहे हैं यहाँ थीटा, वो ए और बी वेक्टर के बीच में, बट सब्ट्रैक्शन के केस में हमें ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, कौन सा एंगल लेना है? ये वाला एंगल। ओके, सो आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये किस केस में? जब हम ऐड करें, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, बट ये किस केस में है? जब हम सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर है? यहाँ पर ओनली एंगल का चेंज होगा। ओके, अब ये कॉस 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? सो ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यू डिफाइन है, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है। ठीक है, एंड साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस साइन थीटा। ये दोनों आपको लर्न करना होगी क्योंकि इसे आप आगे यूज करेंगे। ओके, सो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, सो माइनस टू ए बी कॉस थीटा। इस इक्वेशन से आप टू वैक्टर्स के सब्ट्रैक्शन करें, रिजल्टेंट वैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब बात हुई डायरेक्शन की, कि अगर कोई वैक्टर है तो वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से बना होता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड कर लिया, बट डायरेक्शन का क्या होगा? तो डायरेक्शन के लिए अगर आप पॉजिटिव के लिए बात करते हैं, ए प्लस बी के लिए बात करते हैं, तो डायरेक्शन हमेशा किस तरह से दी जाती है? जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाता है, मान लीजिए कि अल्फा एंगल है। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये डिफाइन करेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, मीन्स आर की जो डायरेक्शन है वो अल्फा एंगल डिफाइन करेगा। सो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, हमने ये फॉर्म भी किया है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कब? ये एडिशन, जब हम एडिशन कर रहे हैं वेक्टर्स का तब। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन टेन अल्फा, अब यहाँ पर हम ये वाला एंगल ले लेंगे। ठीक है, अल्फा यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ए माइनस बी ले रहे हैं। टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन, साइन 180 माइनस थीटा एंड ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ओके, बी टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि कॉस 180 माइनस होता है, ए माइनस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले के थ्रू आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका हमारा मैग्नीट्यूड ये होगा एंड डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, किस केस में? सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में आप इस तरह से पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं। बट एक कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि हमारा जो लास्ट में रिजल्ट आया थीटा, वो आपको क्या लेना है? वो 180 माइनस थीटा लेना है या थीटा लेना है? ठीक है, तो ये आपका ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि आपने जो एंगल लिया 180 माइनस थीटा, बट एट द लास्ट आपको थीटा की वैल्यू यही लेनी है, ए वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल ही लेना है। ठीक है, इस बात में कन्फ्यूज नहीं होना। ओके, चलिए, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर सीखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड यस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।